स्वागत है आप सभी का एक और हमारे वीडियो में। तो देख सकते हैं अभी हमारे सामने लग गया है महिंद्रा का ब्रांड न्यू थार, और आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी का फुल डिटेल करेंगे, फुल वॉक अराउंड करेंगे, और इसका क्या अभी प्राइस पड़ रहा है, ऑन रोड प्राइस क्या है, गाड़ी में बेस्ट टॉप कौन कौन सी फीचर्स है, सभी कुछ आज के इस वीडियो में। मतलब अगर आप थार लेने सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, अगर नहीं भी लेने सोच रहे हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारे फीचर्स हैं। सारा फीचर्स एक बाई एक करके वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा ऐसा ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और थैंक्स टू महिंद्रा शोरूम आनंद महिंद्रा जो कि डाल्टनगंज में है, जिन्होंने ये गाड़ी हमको प्रोवाइड किया है स्पेशली रिव्यू करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप लोग डाल्टनगंज पलामू गढ़वा से हैं तो आप लोग आनंद मोटर्स में आइए, आनंद महिंद्रा शोरूम डाल्टनगंज, नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है, कॉल करके गाड़ी के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, महिंद्रा की कोई भी गाड़ी के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। थार के अंदर पेट्रोल और डीजल वेरियंट दोनों देखने को मिल जाते हैं, अगर इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों भी ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इंडियन मार्केट की बेहतरीन ऑफ रोडर की तो वो है आपको महिंद्रा की थार, बेहतरीन ऑफ रोडर आपको ये मिल जाएगा। गाड़ी का की दिखा दे आपको, तो ये देख सकते हैं इसका की हो गया, की में एक आपको मिल जाता है लॉक का, ये अनलॉक का, और ये एक हो गया बजर। बजर यानी अगर आप पार्किंग में इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं गाड़ी को। हेड प्रोफाइल में देखें तो हेलोजन में आपको इसका हेडलाइट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इंडिकेटर जो है वो आपको हेलोजन में देखने को मिल जाएगा। इस साइड से भी अगर देखें तो आपका जो ये हेडलाइट है हेलोजन में, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन में देखने को मिल जाएगा, और ये देख सकते हैं नीचे फॉग लैम्प भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का लगाया गया है। अगर बम्पर की बात कर ले तो ये आपको फुली फाइबर फिनिश में देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ थार की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। अगर बात कर लेते हैं ग्रिल की तो ग्रिल आपको सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलेगा फ्रंट से, और ये देख सकते हैं महिंद्रा की 3D बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में, जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा ऑसम अट्रैक्टिव बना देती है। इंजन की बात करें तो टोटल दो इंजन में आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 2.2 डीजल एमहॉक का इंजन देखने को मिल जाता है जिसकी ब्रांडिंग आपको यहां देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है वो डीजल में आपको देखने को मिलेगा। और एक और गाड़ी आपका जो आता है जो 130 bhp की पावर बनाता है, और पेट्रोल वाले की बात कर लेवे तो 2 लीटर का भी ऑप्शन आता है जो TGDI इंजन के साथ 150 bhp की पावर बनाता है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और वाइड लगता है, अगर आप इसे रियल लाइफ में देखोगे ना तो और भी ज़्यादा खतरनाक और थोड़ा वाइडली लगेगा देखने में। बाकी सामने से बात कर ले तो वाइपर्स भी आपको यहाँ देख सकते हैं सामने देखने को मिल जाते हैं। अगर बात कर लेते हैं रेडियो एंटीना की तो ये आपको बैजिंग के साथ साथ आपको इसका रेडियो एंटीना भी देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर ORVM की बात कर ले तो वर्टिकल में आपको ये देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ थार की ब्रांडिंग है यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी में। बाकी नीचे टर्न इंडिकेटर के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। अगर टायर साइज़ की बात कर लेवें तो 255, 65, 18 इंच में फुल इसका ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन का ट्रैवल भी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा बनाया गया है इस गाड़ी में। साइड प्रोफाइल में देख लेवे तो डोर की जो हिंचेज है वो बाहर में है, क्योंकि इसे आप अगर ऑफ रोडिंग में जाना चाहते हैं तो आप इस गेट को हटा भी सकते हैं, इसलिए इसका जो हिंचेज है वो आपको बाहर में देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स की बात कर ले तो ABS, ABD, ESP ब्रेक असिस्ट विथ 2 एयरबैग के साथ आपको इस गाड़ी में महिंद्रा प्रोवाइड करती है। बैक प्रोफाइल से देखें तो गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड और मस्कुलर लगती है, जस्ट लाइक बॉसी शेप में आपको इस गाड़ी को देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर ले इसके फ्यूल टैंक की तो फ्यूल टैंक का जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, फ्यूल टैंक में देख सकते हैं यहाँ पे एक डीजल का ऑप्शन है और यहाँ पे यूरिया फिल कर सकते हैं ना, यूरिया और डीजल का ऑप्शन दोनों देखने को मिल जाता है। अगर बात कर ले हुए फ्रंट में तो फ्रंट का जो दोनों टायर है वो आपको डिस्क ब्रेक में देखने को मिल जाएगा और रियर वाले ड्रम में देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। गेट की बात कर ले तो देखिए रियर गेट कुछ इस टाइप खुलता है, खोलिए रियर गेट आपका ये खुल गया, इसके बाद ये वाला खुलेगा ना, ये देख सकते हैं रियर गेट कुछ इस टाइप में खुलता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। स्पेस की बात कर ले तो आपका ये देख सकते हैं स्पेस, अच्छा ये प्रेस करने से यह हट जाता है, यानी अगर आप सोच सकते हैं कि कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं इससे तो स्पेस के लिए आप इसको दोनों सीट को इंक्लाइंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको गाड़ी में देखने को मिल जाती है, और अगर बंद करना है तो सबसे पहले ये इसको गिराना पड़ेगा ना, ये गेट को लगाने के बाद बंद करिए, ये गेट को लगाने के बाद आप इसके डोर के हिंचेस को लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील्स देखने को मिलता है, इसका जो स्पेयर व्हील्स है वो आपको गेट से अटैच मिलता है। इससे काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था, काफ़ी लोग बता रहे थे कि गाड़ी जब ऑफ रोडिंग में चलती है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी बढ़िया इसका बिल्डअप क्वालिटी लगाया गया है। ये कितना भी अगर आप ऑफ रोडिंग कर ले तो गाड़ी इसे कहीं से इससे आवाज़ आती है क्या?
आवाज़ नहीं आती है। इसका जो मतलब बनावट है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। अगर गाड़ी की एक बार टोटल लेंथ की बात कर ली जाए तो 3985 mm में गाड़ी की टोटल लेंथ देखने को मिल जाएगी। टोटल विड्थ की बात कर लेवे तो 1855 mm की टोटल विड्थ, 4x4 की बैजिंग जो आपको महिंद्रा के हर वेरियंट में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर इसमें सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 4 लोग आराम से इसमें सीटिंग कैपेसिटी बैठ सकते हैं, एक यहाँ पे और एक आगे साइड से, और 2 लोगों का स्पेस पीछे आपको यहाँ पे देख सकते हैं। सीट को अभी इंक्लाइंड कर दिए हैं, यानी 4 लोगों का सीट आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो 226 mm की टोटल ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। पीछे में रिफ्लेक्टर और पार्किंग सेंसर जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है। कैमरा इसमें आपको एसेसरीज के रूप में आएगा, एसेसरीज के साथ कैमरा यहाँ पे आपको लगवाना पड़ता है, कंपनी की तरफ से कैमरा लगाया हुआ इसमें नहीं आता है। और हमने ये पहले भी बता दिया कि आपका जो पीछे का गेट है उससे अटैच्ड आपको स्पेयर व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और इसका जो हैमंड स्टॉपलर है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोफाइल की बात कर लो तो 3.9 यानी आप देख सकते हैं अप्रोक्स 4 की आपको ये ओवरऑल 4 मीटर के अंदर की SUV देखने को मिल जाती है। रियल लाइफ में ये और भी बेहतरीन है, और हमने पहले भी बताया कि 4x4 की जो बैजिंग है आपको महिंद्रा की हर गाड़ी में देखने को मिल जाएगी, वो भी क्रोम की फिनिशिंग में। ये देख सकते हैं क्रोम की फिनिशिंग में महिंद्रा की 4x4 की बैजिंग देखने को मिल जाती है इस गाड़ी में। और इसके साथ साथ इसका जो फुटरेस्ट है ये देख सकते हैं ये प्लास्टिक का है, ये फुटरेस्ट जो है वो प्लास्टिक का लगाया गया है। और अगर बात कर ले गाड़ी में ये तो ये देख सकते हैं ये आपको रूफ है जो इस दो टाइप में आता है। दो टाइप में बोलने का मतलब कि ये हो गया आपका हार्ड टॉप और एक हो गया सॉफ्ट टॉप। सॉफ्ट टॉप आपका ये ऐसा होता है जिसको आप ओपन कर सकते हैं, यानी अगर कहीं बाहर घूमने जाते हैं, ऑफ रोडिंग में जाते हैं तो इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ओपन नहीं होगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का ये भी है। यार इस गाड़ी में आपको ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल मिलते हैं, हालांकि ये एसेसरीज ऊपर से लगाया हुआ है इसके चलते आपको क्रोम में देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें ब्लैक फिनिश में आपको इसमें बहुत सारे एसेसरीज लगाए गए हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं ये भी आपको एसेसरीज में ही आया है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे तो आपका ये भी आपको एसेसरीज में लगाया गया है ऊपर से, और ये देख सकते हैं इसका जो क्रोमिंग है ये सारा हेडलाइट का क्रोमिंग है, ये एसेसरीज के रूप में आ गया है। अगर इसकी बेस मॉडल की बात कर ले तो बेस मॉडल देख सकते हैं यहाँ पे है, विदाउट एसेसरीज है। ये देख सकते हैं इसका जो हैलोजन है, हैलोजन के पास कहीं भी एसेसरीज नहीं है, तो ये आपका हो गया विदाउट एसेसरीज का। ब्लैक फिनिश में इसके डोर देख सकते हैं, और साथ ही साथ मिरर को कंट्रोल करने के लिए ORBM का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसका जो सीट क्वालिटी है, सीट क्वालिटी भी आपको लेदर में फैब्रिक के टाइप में आपको देखने को मिल जाएगा। सीट के टाइप आप देख सकते हैं यहाँ बैठने के बाद ये जो आपका जो साइड से बॉर्डिंग किया गया काफ़ी बढ़िया है, और ये देख सकते हैं सीट में भी थार का बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है। सीट्स आपको लेदर और फैब्रिक दो मिक्सिंग में आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे में देख सकते हैं मैनुअली पैडल आपको इस गाड़ी का मैनुअली देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लेते हैं इसका जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं महिंद्रा की एक लोगो आपको इस गाड़ी में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ एयरबैग्स का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एयरबैग्स का बैजिंग देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। गाड़ी में आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसमें से 4 बड़े बड़े स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिल जाएंगे, जो कि ट्विटर का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीकर ट्विटर आपका ये हो गया। इसमें मतलब 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसमें से 4 बड़े स्पीकर और 2 ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो बटन आप देख रहे हैं इसे आप MID के बटन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। MID बोलने का मतलब कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो लेबल है इससे आप अपना हेडलाइट का जो लेबल है इसको हेडलाइट के लेबल को यहां से सेटअप कर सकते हैं। AC इवेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरफ आपको देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में इसका पूरा बॉर्डरिंग मिल जाता है, साथ ही साथ क्रोम की फिनिशिंग में इसका ये देख सकते हैं मिल जाता है। अब बात कर ले इसका ये जो बटन है ये सारे AC के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हैंडल के लेफ्ट साइड में बात कर ले तो हैंडल के लेफ्ट साइड में आपको इस गाड़ी के बटन मिलते हैं, जो कि आपका MID के ही सारे बटन से MID यानी ये बोलने का मतलब MID के बटन्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल यहाँ पे, और आपका जो वॉइस का कमांड है ये यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड जो है इसमें आपको वाइपर्स के कंट्रोल ये देख सकते हैं, ये वाइपर्स के कंट्रोल हैं, और ये जो देख सकते हैं ये आपका हेडलैम्प्स के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। अब बात करते हैं इस गाड़ी के मीटर या मीटर कंसोल पे, तो मीटर कंसोल आपको RPM और इसका जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग में देखने को मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं ट्रिप ए यहाँ दिखा रहा है, ये आपका एनालॉग स्पीडोमीटर है, एनालॉग मिलेगा। और ये देख सकते हैं इंजन मालवेयर फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो ऑयल का कंजप्शन है यहाँ पे आपका फ्यूल वाला शो करता है, साथ ही साथ अलार्मिंग का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी आपको 2 मोड्स में देखने को मिल जाता है, एक होते हैं 4x2 और एक होते हैं 4x4। 4x4 बोलने का मतलब कि आप इसमें काफ़ी स्पॉटी इसका मज़ा ले सकते हैं, गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हैं, और 4x2 बोलने का मतलब कि आप टाइम फ्यूल कंजप्शन कर सकते हैं।
7 इंच का इसका आपका टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग MID बोलते हैं, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बोलते हैं, जो 7 इंच का आपको देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे, जो कि बड़ा गियर अगर इसको बात करते हैं, और एक आपको 4x4 के कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बड़ा गियर में अगर रिवर्स की बात करें तो ये जो आपका लीवर है, लीवर को ऊपर करके आप इसको रिवर्स का ऑप्शन रिवर्स में लगा सकते हैं। अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं गाड़ी का जो बोनट है वो विजिबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी का बोनट है वो एकदम विजिबल दिख रहा है, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। रियर व्यू मिरर की बात कर लेवे तो काफ़ी एडजस्टेबल है यहाँ से, आप इसको ऐसे एडजस्टेबल है, मतलब कहीं से भी कोई तरह की परेशानी नहीं होती है आपको इस गाड़ी में। ग्लोव बॉक्स की बात कर ले तो ये देख सकते हैं इसका जो ग्लोव बॉक्स है काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे कहीं भी दिक्कत नहीं है। एक स्पीकर आपका यहाँ पे है, और ये जो देख सकते हैं वो ग्रैब हैंडल है, यानी अगर फ्रंट में कोई बैठता है तो उसे पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसका जो गेट है वो देख सकते हैं प्योरली मैट फिनिश में, ब्लैक में फिनिश में है, और यहाँ पे थार की बैजिंग भी आपको इस गाड़ी में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ORVM की कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं है क्योंकि होती है ड्राइवर साइड गेट में, तो ड्राइवर साइड गेट में यहाँ पे देख सकते हैं ORVM की कंट्रोल्स देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलेगी जिसमें आप अपने बॉटल्स को आराम से कैरी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपना कुछ सिक्का उका रख सकते हैं, दो आप यहाँ पे ग्लास होल्डर आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ पावर ब्रेक का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये बात करें यहाँ पे तो USB पोर्ट भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और देख सकते हैं AC का काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि प्योरली पियानो ब्लैक फिनिश में है। गाड़ी अंदर से देखें तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम इसमें बैठने में फील हो रहा है। चलते हैं हम लोग पैसेंजर साइड सीट की तरफ से, वहाँ से इसको रिक्लाइन कर आगे धकेलना होता है इसको। जैसे ही अभी हमने पैसेंजर साइड सीट्स में यहाँ पे चले तो गाड़ी यहाँ से इस खुलता है, इसका जो फ्रंट सीट है यहाँ से इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद अभी अंदर बैठते हैं, अंदर बैठने के बाद इसका देखते हैं फुटरेस्ट कैसा है, गाड़ी में बैठने में कहीं से भी दिक्कत हो रही है या नहीं। तो गाइज ये देख सकते हैं हम आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ गए। ये जो मेरा लेग रूम है, लेग रूम भी काफी स्पेसियस है, कहीं से भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर पीछे से हेडरूम देखे तो हेडरूम भी काफी ज्यादा गैपिंग है इसका, मैंने कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है पीछे बैठने से। लेकिन एक चीज बताना चाहेंगे कि महिंद्रा वाले यहाँ पे थोड़ा गलती की है, यहाँ पे अगर कुछ और है या हैंडल बोल सकते हैं या फिर कुछ दे सक यहाँ पे दे देते तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये जस्ट बैठने में पीछे लग रहा है कि हम कहीं भी बॉक्सी टाइप स्पेस में बोल सकते हैं, या तो फिर कहीं मतलब क्या ही बताएं हम इसको, थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन कहीं से सामने से अगर देखते हैं तो इसका जो विजिबिलिटी रेंज है काफी बढ़िया लगता है दिखने में, काफी प्रीमियम फीलिंग आती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो हैंडल पकड़ने वाला, इसको एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग ग्रैब हैंडल पकड़ने वाला है, ये भी आपको काफी बढ़िया क्वालिटी का। इसमें देख सकते हैं स्पीकर्स है, स्पीकर जो कि दो स्पीकर्स यहाँ पे हैं, और ये दो स्पीकर्स आगे में आपको देखने को मिल जाएंगे, चार स्पीकर्स और दो ट्विटर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ लाइट के ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं लाइट के कुछ ऑप्शन यहाँ पे है। इस गेट इस सीट को भी अगर हम ऐसा कर देते हैं तो आराम से आप दो लोग यहाँ बैठ सकते हैं, यानी चार लोग आराम से आप कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। एक बार एग्जॉस्ट सुनाते हैं आपको या फिर इसका हॉर्न सुनाते हैं कि हॉर्न कैसा। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट स्टार्ट हम करते हैं, देख सकते हैं इसका आवाज कितना ज्यादा स्मूथी लग रहा है, कितना मतलब प्रीसियस लग रहा है इसका जो आवाज है, गाड़ी का आवाज बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं हॉर्न की, तो हॉर्न कुछ इस टाइप का है, हॉर्न आप लोग देख लिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात कर रहे हैं तो आपको प्राइस नीचे स्क्रीन पे शो कर रहा है गाड़ी की, इतनी प्राइस है। आनंद महिंद्रा जो कि डाल्टनगंज में महिंद्रा का एक बड़ा डीलरशिप है पूरे पलामू में, तो आप लोग यहाँ पे आइए और अपनी पसंद की गाड़ी को परचेज करिए। इसका अगर टेस्ट राइड भी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर शो कर रहा है, आप वहाँ पे जाइए, नंबर पे कॉल करिए, टेस्ट राइड का इंक्वायरी लीजिए। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करिएगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट्स होगा तो कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और ये भी हमने बता दिया कि ये गाड़ी हमको मिला है आनंद महिंद्रा से, जो हमने इसे रिव्यू किया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।